अभी अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने ऐलान किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रिव्यू करेंगे हाल ही में रिलीज फिल्म टीजर इंडिया लॉकडाउन, जिसको डायरेक्ट किया है मधुर भंडारकर जी ने। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Zee5 ओरिजिनल पर सीधा स्ट्रीम होगी 2 दिसंबर 2022 को। इंडिया लॉकडाउन फिल्म कोविड लॉकडाउन के दौरान हुई मुंबई और आसपास की कहानियों को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत लॉकडाउन के अनाउंसमेंट से होती है, जो लोगों को कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट करती है। 21 दिनों तक पूरा भारत बंद रहेगा। फिल्म में अलग अलग तबके के लोगों की दिक्कतों को दर्शाया गया है। पायलट से लेके प्रोस्टिट्यूट्स तक सबकी लाइफ कैसे रुक जाती है, बहुत अच्छे से दर्शाया है। फिल्म में एक्टर श्वेता बासु प्रसाद को प्रोस्टिट्यूट के अवतार में रखा है। आदमी आदमी को छू नहीं सकता और बिना छुए अपना धंधा चले नहीं। और प्रतीक बब्बर को मजदूर की भूमिका, जो अपनी बीवी के साथ अपने घर वापस जाना चाहता है। तुम पैदल जाने का बात कर रहे हो। मेरे हिसाब से इस टीजर में लॉकडाउन में जॉबलेस लोगों से लेकर सड़कों पे चल रहे मजदूर लोगों की बेबसी को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिल्म के राइटर अमित जोशी और आराधना शाह हैं। फिल्म का टीजर मुझे अच्छा लगा है, पर आगे डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने फिल्म कैसे बनाई है वो अभी देखना बाकी है। इंडिया लॉकडाउन को प्रोड्यूस किया है भंडारकर एंटरटेनमेंट, PJ मोशन पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज ने। तो ये था इंडिया लॉकडाउन टीजर का रिव्यू। आगे जब इसका ट्रेलर आएगा तो मैं आप सबके लिए अपना अगला रिव्यू बनाऊंगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज बेल का आइकॉन स्मैश करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अभी के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।